नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल खाना खजाना विद सास बहू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं आम पन्ना, जिसके लिए सबसे पहले हम इन आमों को कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने आम कट कर लिए हैं, इनके अंदर के बीज को निकाल दिया है। अब इसमें 3 ग्लास पानी डाल के बॉईल करने रख देते हैं गैस पे। फ्रेंड्स, जब तक हमारे आम बॉईल हो रहे हैं, हम उसमें मिक्स करने के लिए चटनी बना लेते हैं। डालो मैम, ये हम पुदीना मिक्सी ग्राइंडर में डाल रहे हैं। ये काली मिर्च डाल रहे हैं, अपने स्वाद अनुसार डाल लेना। अब हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये चटनी सा बनके तैयार है। और जो हमारे आम हैं, उसको 15 से 20 मिनट ढककर बॉईल करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे आम बॉईल हो चुके हैं, इसमें पानी ज़्यादा नहीं बचा। अगर ज़्यादा पानी हो तो आप उसको निकाल दीजिएगा। और अब हम चाशनी बनाएंगे। देखिए, ये 2 कप चीनी डाल दी है। फ्रेंड्स, जो हमने कच्चे आम है ना, वो 1/2 kg लिए हैं, यानी कि 500 ग्राम। उसमें हमने मेजरमेंट के 2 कप चीनी लिए है। आधा कप पानी डालना है 2 कप चाशनी में। और इसको एक तार की चाशनी भी बनानी है। और ये मैंगो, इनको हमें पीस लेना पुदीना और काली मिर्च के साथ। अब हम इसमें काला नमक ऐड कर रहे हैं, सफेद नमक ऐड कर लिया हमने, जो हमने ये काली मिर्च और पुदीना पीसा था, ये भी इसी में ऐड कर लेंगे। थोड़ा भुना हुआ जीरा भी ऐड कर लिया है। और इसको ग्राइंडर से हम मैश कर रहे हैं। आपके पास ग्राइंडर नहीं हो तो मिक्स ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लेना इसको, इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना। देखिए, इस तरह का पेस्ट एक तैयार हो जाएगा। चाशनी हमारी बन करके तैयार हो गई है, थोड़ा चिपचिपापन आ जाए। हाँ, तैयार है अभी इस टाइम। हम अभी चाशनी इसमें आम पन्ने में जो पेस्ट बनाया है इसमें ऐड कर लेंगे इसको हम। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके फिर इसको हम गैस पर अभी थोड़ी देर और उबाल आने तक, 2-3 उबाल आने तक पकाएंगे अभी इसको। अभी हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे। 1-2 उबाल आ जाएगा, उसके बाद इसको गैस को ऑफ कर देना। अब इसको हम छान रहे हैं, और छानने के बाद ही ठंडा हो जाएगा तो फिर जार में भर के फ्रीजर में रख देना। फ्रेंड्स, काश का आपके पास इस तरह का कोई भी जार हो या जग है, आप इसको उसमें भर के फ्रिज में 25 डेज यानी कि 1 मंथ तक आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। ये गर्मी का खास तोहफा है, बच्चे आए, बड़े आए, कोई गेस्ट आए, सबको पिलाओ, किसी को भी लू नहीं लगने की इससे। मार्केट से तो अच्छा है ये आम पन्ना, और अपने गेस्टों को भी बना करके पिलाओ।
हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बन्ना ठंडा हो चुका है और हमने जार में डाल लिया। अब हमें इसको बनाने के लिए 2 स्पून इसमें हम ग्लास में डालेंगे। अगर आपका ग्लास बड़ा है तो आप 3 चम्मच ऐड कर लीजिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसमें आइस डालेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी गर्मियों की ड्रिंक तैयार है, आम पन्ना। आप लोग बनाइए, एंजॉय कीजिए गर्मियों में और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा बना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।